हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एम एन आज के वीडियो में भी हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं और ये सेकंड मॉक टेस्ट है इससे पहले जो 150 वाला है वो मैंने एक और डाल दिया अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हो इसमें भी सेम ही उसी तरीके से हम 150 फिफ्टी क्वेश्चन करेंगे आंसर्स मैंने इसमें भी लिख दिए थे तो सॉरी फॉर देट आगे से मैं जब बनाऊँगी तो मैं याद रखूँगी कि आंसर ना लिखूँ तो साइंस के क्वेश्चन है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन आर जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं वो कौन से हैं जो ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम स्ट्रेप्टोकोकस या माइको प्लाज्मा तो इसका करेक्ट आंसर है माइको प्लाज्मा सेकेंड क्वेश्चन है ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था और ये बोला था मैंने ये किसी एग्जाम में भी आया हुआ है तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूक्लियस राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया या स्पेरोजोम तो इसका करेक्ट आंसर है राइबोसोम। अगला है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन तो ये क्या होता है टेस्ला न्यूटन एम स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू बी मीटर पर स्क्वायर या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस मैग्नेटिक डेंसिटी का ये सारा ही होता है नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड कोटिंग ऑफ आयरन नाइट्राइड ऑन द सर्फेस ऑफ स्टील इज कॉल्ड स्टील के सरफेस पे आयरन नाइट्राइड की एक हार्ड कोटिंग प्रोड्यूस करना इसको क्या बोलते हैं टेम्पटिंग क्वेंचिंग एनीलिंग या नाइट्रेडिंग तो इसको बोलते हैं नाई नेक्स्ट है बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स एट द सर्फेस ऑफ शेप एच ऑफ एन ओपेक ऑब्स्टिकल इज नोन एज इसको क्या बोलते हैं जब बेंड लाइट जो वेव्स होती है बेंड हो जाती है ओपेक ऑबस्टिकल के पास आके तो इस फिनन को क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस तो इसको क्या बोलते हैं डिफ्रैक्शन सिक्स है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रिसर्च मटीरियल इन जेनेटिक इज। जेनेटिक में बहुत एक इंपॉर्टेंट मटीरियल होता है इसको क्या बोलते हैं न्यूरोस्पोरा एस्परजलिस मोरल्स एंड टफल्स या ब्रैकेट फंगी तो उसको बोलते हैं न्यूरोस्पोरा सेवेंथ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंडिकेटर ऑफ एस ओ टू पल्यूशन तो इसमें से कौन सा है जो पल्यूशन का इंडिकेटर है बैसिलस, लाइकेंस, क्लॉस्ट्रीडियम या स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये है लाइकेंस। या लिचेंस भी बोलते हैं काफी लोग मोस्ट थर्मोडाइनमिकली स्टेबल एलेक्ट्रॉप फॉर्म ऑफ फॉस्फरस फॉस्फरस का सबसे स्टेबल थर्मोडाइनमिक एलेक्ट्रॉप फॉर्म कौन सा है रेड वाइट ब्लैक या येलो तो वो है ब्लैक ब्लैक फॉस्फोरस नाइन्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल इसमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है प्रोटॉन, मैसॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन तो so, कौन सा नहीं है वो है मैसॉन। टेंथ है कैसकेटिव एजेंट ऑफ मैट काउ डिजीज इज मैट काउ डिजीज का कैसकेटिव एजेंट क्या है प्रायन्स वायरस बैक्टीरियम या प्रोटोजोआ तो क्या है पायरोंथ है विच फिना शो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट लाइट का पार्टिकल नेचर कौन सा फिनोमिना जो है इसमें से शो करता है पोलराइजेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटरफेरेंस या रिफ्रैक्शन तो क्या करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है चार्ज अना इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई किसने डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है रदरफोर्ड चैडविक मिलकिन या बोर तो ये क्या था मिलकिन ने थर्टीन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज़ नॉन डायरेक्शनल इसमें से कौन सा जो ऑर्बिट है वो क्या है नॉन डायरेक्शनल है एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल या ऑल ऑफ दिस तो वो है एस ऑर्बिटल अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है विटामिन बी सिक्स लॉस ऑफ एपेटाइट क्या विटामिन बी सिक्स की कमी होने से लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है हाँ हो जाता है नेक्स्ट है विटामिन बी वन इसका भी बेरी बेरी अगला है विटामिन बी टू इसका है प्लेगेरा नेक्स्ट है विटामिन बी ट्वेल्व और यह है पेरिनीशियस एनीमिया ये क्वेश्चन आया भी था विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से कौन सा हो जाता है ट्वेंटी ट्वेंटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है इसका करेक्ट आंसर है विटामिन बी टू एंड प्लेगेरा ये रॉन्ग है ठीक है नॉट करेक्टली मैच पूछा है तो ये नहीं होता बाकी सब सही है फिफ्टीन द ओजोन लेयर इन अर्थ एटमोसफेयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल बिकॉज इट्स जो ओजोन लेयर है अर्थ एटमोसफेयर पर यह क्रूशियल है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए क्यों ऑप्शन हैज़ आयस रिफ्लेक्ट रेडियो सिग्नल्स रिफ्लेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज या रिफ्लेक्ट इन्फ्रा रेड वेज तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो अल्ट्रा वॉयलेट रेज होते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देता है ओजोन लेयर इसलिए जो ओजोन डिप्लीकेशन है ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है ठीक है मतलब इस पर हमें काम करना है कि ये ना हो क्योंकि यू वी रेज एक बार आने लगे तो ह्यूमन जिंदा भी नहीं रह पाएंगे आपको पता है यू वी रेज से कितनी सारी बीमारियाँ भी होती है स्किन की डिजीज़ आँखों पर इफ़ेक्ट ये सब आपको पता ही होगा सिक्सटीन है वेन द बॉडी इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल इट्स वेट जब बॉडी इक्वेटर से पोल पे जाती है तो इसका वेट क्या हो जाता है रिमेन कॉन्स्टेंट इंक्रीज ंक्रीज एट नॉर्थ एंड डिक्रीज एट साउथ या डिक्रीज तो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है अगला है द सेल थ्यूरी वुट फॉरवर्ड बाई जो सेल थ्योरी थी ये किसने दी थी शेल्डन एंड स्कॉन रॉबर्ट ब्राउन एंटोनी वन लियू क्वेन होक या रॉबर्ट होक तो ये किया था शेल्डन एंड स्कॉन ने अगला है एटीनथ ऑल ऑफ दिस फॉलोइंग्स अ पार्ट ऑफ अ लार्ज इंटस्टाइन एक्सेप्ट ये सारा जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है किसके अलावा सीकम एलियम कोलोन या रेक्टम तो जो एलियम है ये नहीं है बाकी सब है ठीक है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नाइनटीन है ब्रेन स्टेम इज फॉर्म बाय जो ब्रेन स्टेम है ये किससे फॉर्म होता है फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड या ऑल ऑफ दिस तो ये होता है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन से ट्वेंटी थे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथनाइड्स लैंथनॉइडस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस या फाइव प्लस तो उनका होता है थ्री प्लस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हार्डेस्ट कंपाउंड ऑफ बोरोन इज बोरोन का हार्डेस्ट कंपाउंड या फॉर्म कौन सा होता है बोरोन ऑक्साइड बोरोन नाइट्राइड बोरोन कार्बाइड या बोरोन हाइड्राइड तो ये क्या होता है बोरोन कार्बाइड नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक बेंजीन इज़ इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है उसका फॉर्मुला पूछा है हमसे बी एन बी एफ फोर बी टू एच सिक्स बी थ्री एन थ्री एच सिक्स तो ये करेक्ट है इसका बी थ्री एन थ्री एच सिक्स नेक्स्ट ये छोटा सा अनुमेरिकल इसको खुद सॉल्व करना आप लोग बोला है जो करंट है वो प्रोड्यूस हो रहा है एक वायर में टेन टू द पावर सेवन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड्स ठीक है तो उसका करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये पूछा है तो ये इसका आंसर सॉल्व करके देखना एक बार नेक्स्ट है क्वेश्चन ट्वेंटी फोर द लार्ज स्टेबल आइटम इज लार्ज स्टेबल आइटम कौन सा होता है ऑक्सीजन सोडियम एलमियम या लेड तो क्या है लेड नेक्स्ट इज ट्वेंटी फाइव ट्रांजेशन मेटल प्रेजेंट इन विटामिन बी ट्व इज विटामिन बी ट्वेल्व में जो ट्रांजेशन मेटल है वो कौन सा होता है आयरन कोबाल्ट निकल या सोडियम तो वो होता है कोबाल्ट ट्वेंटी सिक्स साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज इज गैस किससे एक्सचेंज होती है वो साइट कौन सी है पूछा है ट्रैक्योल्स ब्रॉन काय ऑयल या ट्रकिया तो क्या है एलवी ऑयल ट्वेंटी सेवन द लार्जेस्ट एंडोक्रीन ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंडोक्रीन ग्लैंड कौन सा है एड्रिनल ग्लैंड थायरॉयड ग्लैंड ट्यूटरी ग्लैंड या पैनक्रियास तो ये है थायरॉयड ग्लैंड नेक्स्ट इज टू गेट थ्री इमेज ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव प्लेन मिरर एट एंगल ऑफ तो तीन इमेज चाहिए एक सेम ऑब्जेक्ट का तो जो प्लेन मिरर है उसको किस एंगल पे रखना चाहिए किसी को थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइन्टी डिग्री या वन फिफ्टी डिग्री तो उसको रखना चाहिए सिक्सटी डिग्री पे नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ इक्ुलीब्रियम जी एस स्टेट कौन सा होता है तब वन जीरो इंफिनी या लेस देन वन तो क्या होता है जीरो अगला है सीक्वेंसिंग ऑफ डी एन एज़ रिलेटेड टू जिस डी एन ए की सीक्वेंसिंग होती है ये किस चीज़ से रिलेटेड है साइटेक्सन कीमोटेक्सन फेनेटिक्स या कायरो टेक्सोनॉमी तो ये होती है कायरो टेक्सोनॉमी से थर्टी वन मोस्ट पोलार बॉन्ड एज इनमें से कौन सा बॉन्ड है जो पोलार बॉन्ड है एन एच सी एल एच ओ एच या बी आर एच तो वो है ओ एच थर्टी टू वायरस एनवलप इज़ नोन एज़ जो वायरस का एनवलप होता है इसे क्या बोलते हैं वायरॉन कोर न्यूक्लियो प्रोटीन या कैस्पिड तो उसको क्या बोलते हैं कैस्पिड थर्टी थ्री रीजनरेशन कैन बी ऑब्जर्व इन रीजनरेशन किस में ऑब्जर्व हो सकता है इनमें से फंगी प्लेनेरिया अर्थ फॉर्म या हाउस फ्लाई तो ये होता है प्लेनेरिया में नेक्स्ट है थर्टी फोर ऑल क्रेनॉन प्रोसेस इज प्रेजेंट इन ये जो प्रोसेस है ये किस में प्रेजेंट होता है ये प्रोसेस क्या होता है बेसिकली जो हम देखो बता ही देती हूँ मैं आंसर अलना लिखा हुआ है ना तो हमारा एल्बो जो होता है एल्बो ऐसे नीचे से कोनी ऐसे होती है ना तो ये जो एक्स्ट्रा बोन जिसकी वजह से ये ऐसा आता है तो उसको बोलते हैं एल्क्रेनर प्रोसेस ये और कहीं तो बॉडी में नहीं होता हमारे नीज में भी बोन होता है लेकिन वो ऐसे शेप में तो नहीं आता वो ऐसे होता है ठीक है तो ये सिर्फ अलना में ही होता है ठीक है ऑप्शनज है रेडियस ह्यूमरस फीमर तो राइट आंसर अं इसका अलना ही है थर्टी फाइव ऑफ क्लोराइड एस इसमें से क्लोराइड का ओर कौन सा है हॉर्न सिल्वर बॉक्साइड या फीट स्पेयर तो ये है हॉर्न सिल्वर अ मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर जो है वो मैग्निफिकेशन कितने का प्रोड्यूस करता है माइनस वन प्लस वन जीरो या बिटवीन जीरो एंड इंफिनिटी तो कहता है प्लस वन का ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ सीओ टू बाय द एक्शन ऑफ तो ब्रेड जो होता है ब्रेड आपने देखा भी होगा उस पर छोटे छोटे छेद दिखते हैं ठीक है उसी को पोरस बोलते हैं तो ये सी ओ टू उससे रिलीज हो जाता है और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये जो प्रोसेस होता है ये किसके वजह से होता है पूछा है फर्मेंटेशन बोलते हैं प्रोसेस को ये इस किस किसकी वजह से होता है ईस्ट बैक्टीरिया वायरस या प्रोटोजोआ तो ये होता है ईस्ट की वजह से थर्टी एट मम्स इज़ अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ जो मम्स है ये किस चीज़ की वायरल इन्फेक्शन है पैराथोर ग्लैंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड सब लिंग ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड तो यह है पैरोटिड ग्लैंड अगला है क्वेश्चन थर्टी नाइन लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट मसल पूछा है ठीक है मसल कौन सी है ऑप्शन है सेटोरियस सैटोरियस एंटीरियर ग्ल्यूटियस मैक्सीमस या स्टैपिडियस तो इसका आंसर है स्टैटोरियस और ये कहाँ होती है जहाँ लॉन्गेस्ट बोन होती है ठीक है वहीं पे हमारे पूरे थाई में ही रन करती है ये ये मसल भी ठीक है फोर्टी है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कर्स बच्चों में विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी होती है क्या हो जाता है अर्थराइटिस रिकेट्स गाउट्स या ऑस्ट्रोमेलेशिया तो ये होता है रिकेट्स नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ई एम वेव इसमें से कौन सा ई एम वेव नहीं है कॉस्मिक रे इंफ्रारेड रे गामा रे या एक्स रे तो ये है कॉस्मिक रे नेक्स्ट है फोर्टी टू सर्फेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सर्फेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये पूछा है रिमेन कॉन्स्टेंट इंक्रीज डिक्रीज नो रेगुलर पैटर्न इन फ्लो तो क्या हो जाता है इसमें डिक्रीज हो जाता है फोर्टी थ्री डीपोलराइजेशन इज कर्ज बाय डिपोलराइजेशन जो है वो कैसे होता है इनफ्लक्स ऑफ के प्लस एक्सप्ल ऑफ के प्लस के प्लस क्या होता है पोटेशियम इनफ्लक्स ऑफ सोडियम या एक्स ऑफ सोडियम तो ये किसकी वजह से होता है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से फोर्टी फोर द टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन आर बॉडी कितना होता है बॉडी में टोटल नंबर ऑफ रिब्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स या फोर्टी एट तो कितनी होती है ट्वेंटी फोर फोर्टी फिफ द इक्विलिब्रियम रेफर्स टू इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट डायनेमिक स्टेट स्टेशनरी स्टेट या स्टेट ऑफ इनर्शिया तो ये बोलते हैं डायनेमिक स्टेट को फोर्टी सिक्स आर की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया एन किस चीज़ से डिफरेंस होता है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेल टाइप सेल वॉल स्ट्रक्चर या टाइप ऑफ राइबोसोम तो ये होता है सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से फोर्टी सेवन है प्यूरिन बेस ऑफ डी एन ए आर डी एन ए का प्यूरिन बेस क्या है ए जी ए एन सी ए एन यू या ए एन सी तो ये है ए एंड जी नेक्स्ट वन इज फोर्टी एट बाई अ मोनोक्रोमैटिक वेज वी मीन जब कोई बोलता है कि मोनोक्रोमैटिक वेज तो क्या मतलब होता है उसका अ सिंगल रे अ सिंगल रे ऑफ सिंगल कलर अ वेव हैविंग सिंगल वेव लेंथ मैनी रेज ऑफ सिंगल कलर तो ये इसका मतलब होता है अ वेव हैविंग सिंगल वेव लेंथ उसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक वेव नेक्स्ट इज द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल हिमोग्लोबिन एंड विटामिन बी ट्वेल्व रिस्पेक्टिवली आ क्लोरोफिल में हेमोग्लोबिन में और विटामिन बी ट्वेल्व में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है वो बताना है एफ ई एम जी सी ओ एम जी एफ ई सी ओ सी ओ एम जी एफ ई या एफ ई सी ओ एम जी तो इसमें क्या होता है क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम हीमोग्लोबिन में होता है आयरन एंड विटामिन बी ट्वेल्व में होता है कोबाल्ट ठीक है रिस्पेक्टिवली पूछा है इसलिए हमें ये मैटर करता है अगर बोलता है ऐसी इसमें कौन सा होता है और अलग अलग दे देते दे तो हम जो होता है वो कर देते लेकिन रिस्पेक्टिवली बोला मतलब इसमें कौन सा है वो पहले इसमें कौन सा है वो बाद उस सेकेंड में और ये कौन सा है वो थर्ड में उसी ऑर्डर में आना चाहिए एंड द लास्ट क्वेश्चन इज माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी होती है एल्गी फंगी लाइक या बैक्टीरिया तो ये होती है फंगी की स्टडी तो साइंस के फिफ्टी क्वेश्चन खत्म हो गए अभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी क्योंकि एक साथ इतना लंबा वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम होता है लगता है जब पिछले बार मैंने किया था तो ऑलमोस्ट हाफ आवर लग गया था मुझे अपलोड करने में छोटे वीडियो रहते तो ईजिली अपलोड हो जाते हैं इसके जस्ट बाद मैं अपलोड कर दूँगी वो अब देख लेना ठीक है वो इसी का ही कंटिन्यूशन रहेगा मैं लिख भी दूंगी पार्ट वन पार्ट टू करके कि सेट टू का ये पार्ट टू है या पार्ट वन है ठीक है तो ये सेट टू है मॉक टेस्ट का ये याद रखना कि ये मॉक टेस्ट का सेट टू है और इसी के कंटिन्यूशन में मैं वो डाल दूंगी तो मैं ऐसे फिफ्टी फिफ्टी करके डाल दे रही हूँ तो तीन पार्ट आएंगे इसके ये साइंस हो गया नेक्स्ट जीके या इंग्लिश वाला होगा देख लेना मैं नंबरिंग कर दूँगी इसके जस्ट बाद ही डाला होगा और सेम होगा सब में ठीक है